ओम शांति। आज 18 तारीख के बाप दादा की अव्यक्त रिवाइज वाणी है। स्वयं को मीठे बाप दादा के सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा की वाणी के अनुसार स्वयं को शक्तिशाली स्थिति में स्थित करते हुए आज के बाबा के महावाक्यों को अनुभवी मूर्त बन धारण करेंगे। बाबा की मुरली का टाइटल है तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी है। अपने को बाबा द्वारा मिले इन सम्मानों में स्थित करेंगे कि मैं तपस्वी मूरत आत्मा हूँ, त्याग मूरत आत्मा हूँ, बाबा के समान विधाता हूँ, विश्व राज्य अधिकारी हूँ। बाबा कहते आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। बाबा कहते ये रूहानी परवानों का प्यार, रूहानी क्षमा आप जाने और रूहानी परवाने बच्चे जाने। बाबा कहता है यह दिल के स्नेह का आकर्षण का अलौकिक मेला है, अलौकिक बच्चे और बाबा जाने। बाबा कहते हैं ये रूहानी मेला गुप्त है, अलौकिक फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर बाबा से रूहानी मिलन मनाते हुए परमात्म स्नेह को मैं आत्मा दिल में समाते हुए बाबा के रूहानी दृष्टि से इस रूहानी मिलन के मिले से सदा के लिए मालामाल बन गई हूँ। ये परमात्म मिला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। स्वयं को बाबा के सम्मुख अनुभव करेंगे परमात्म मिलन की संपन्नता की अनुभूति करेंगे। बाबा कहते हैं दिल के उमंग उत्साह से भरपूर आप बच्चे बाबा
दादा के सम्मुख हो, स्नेह के सागर बाप दादा के लहरों में समाये हुए हो, एक बाबा की लगन में विघ्न विनाशक बन मधुबन निवासी बन गए। सर्व बातें एक बाबा के स्नेह में समाप्त हो गई, एवर रेडी बन गए इस स्वीट ड्रामा के स्वीट पार्ट को देख। बाप दादा और बच्चे हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते हैं, स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। बाबा कहते, जो ड्रामा बना है वह ड्रामा वह स्वयं को ये ईश्वरीय पाठ पक्का कराएंगे। ये ड्रामा का हर सीन स्वीट है, कल्याणकारी है। ड्रामा वहाँ है, मेरा बाबा वहाँ है, और जो मुझ आत्मा को इस बेहद ड्रामा में पार्ट मिला है, वो पार्ट भी वहाँ है। बाबा कहता है, बच्चे दिल है तो असंभव भी संभव हो गया। स्नेह का स्वरूप दिखाया, बाप कहते जो अभी तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। बाबा कहते हैं, अभी समय के प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा विशेष क्या चाहते। बाबा कहता, पूरी सीजन में समय प्रति समय बाबा इशारे देते हैं। बाबा कहते उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ गया है। बाबा कहते, स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। अब बाबा कहते, महातपस्वी आत्मा बनो। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य
करने का ये समय है। इस समय सभी को सच्चा सहारा बेहद का बाबा है अनुभूति कराने के निमित्त। आप महातपस्वी आत्माएं हो, बाबा कहते बच्चे चारों ओर एक ही तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन का अनुभव कराना। बाबा कहते बच्चे एक सेकंड भी सुख चैन की स्थिति का अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं वर्तमान समय संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। बाबा कहते अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। बाबा कहता है अखंड महान लंगर लगाओ। अभी संगठित रूप में विधातापन की लहर फैलाओ। मास्टर विधाता बन जितना देते जाएंगे, बाबा कहते उतना भरता जाएगा। अभी करने का समय है। बाबा कहते हैं तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या के द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। सूर्य के समान महान तपस्वी रूप के द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। स्थित हो जाएंगे अपने तपस्वी स्वरूप में, ज्वाला स्वरूप योग की शक्तिशाली स्थिति में। मैं सूर्य समान महान तपस्वी आत्मा हूँ। स्वयं को देखेंगे, ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति में स्थित, बाबा से कनेक्टेड, तपस्या की शक्ति के द्वारा शांति शक्ति की किरणों के प्रवाह को चारों ओर फैलता हुआ अनुभव करेंगे। इस स्वरूप में इस विजन में एकाग्रचित हो जाएंगे। मैं महान
तपस्वी आत्मा हूँ, सूर्य समान महान तपस्वी बाबा की शक्तिशाली साइलेंस की शक्तियों की किरणें चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। मैं बाबा के साथ कंबाइंड स्टेज में स्थित हूँ। विश्व की आत्माओं को सुख शांति रूहानी चैन की अनुभूति हो रही है। अभी बाबा कहते हैं इसके लिए जमा का खाता बढ़ाओ, ज्ञान योग से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजय बनाया। लेकिन बाबा कहते सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। बाबा पूछते सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए। बाबा कहते जमा है, अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। बाबा कहता इसमें आप स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे पर उपकारी बनने से सब उपकारी स्वतः ही बन जाते। बाबा कहते यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। विश्व कल्याणकारी बनना है। बाबा कहता अभी विधाता बनने का समय आ गया है, इसीलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे विश्व राज्य अधिकारी बनने का पद्मा पदम भाग्य प्राप्त करना, अर्थात विधातापन की स्थिति का अनुभव, विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है।
बाबा कहता है अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। तपस्या स्वरूप अर्थात हद के लेवता के त्याग मुहूर्त स्वयं को सम्मान में स्थित करेंगे। मैं पाप समान विधाता हूँ, बाबा के समान सर्व खजानों को विश्व प्रति दान करने वाले विश्व राज्य अधिकारी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा के आज्ञाकारी विशेष तपस्वी आत्मा हूँ। सर्व हद की इच्छाओं से मुक्त तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। विधातापन की स्टेज पे स्थित रहे अन्य को परमात्म खजानों से भरपूर करने वाली महातपस्वी विधाता आत्मा हूँ। इस शक्तिशाली संकल्प से मेरे तपस्वी विधातापन के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। बाप दादा की प्रिय बाप समान स्थिति में स्थित हो, बाप दादा से मिलन मनाने वाली मैं संगम युगे स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। समय के प्रमाण परमात्म मिलन की विधि को स्वयं प्रति धारण कर परमात्म मिलन का अनुभव करने वाली कराने वाली बाप दादा की राजयुक्त महातपस्वी विधाता आत्मा हूँ। बाप दादा अटेंशन दिलाते, बाबा कहते बच्चे अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। बाबा कहते उच्च राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं। बाबा कहते हैं बीती को बीती करने का बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है, सदा बिंदु लगाना है। बाबा कहते बच्चे सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्रति विधाता बन सिंधु बन सबको भरपूर
बनाना है। आप बिंदु और सिंधु की विशेष स्मृति में रहे, श्रेष्ठ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले विधाता आत्मा हो। बाबा कहते आप सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता बाप का वरदान है। बाबा कहते हैं वरदाता बाप के वरदान सदा स्मृति में रखो। अभी बाबा वरदानों से भरपूर करते हैं और बाबा के वरदानों से भरपूर होने के अनुभव करने के लिए स्वयं को बाबा के सम्मुख आवृत स्वरूप द्वारा स्थित करेंगे और बाबा की दृष्टि द्वारा वरदानों को स्वयं प्रति धारण करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा पाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व को सर्व घसाने बांटने वाले महान पुण्य आत्मा बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप दादा के वरदानों को स्वयं में धारण कर लेंगे कि मैं बाबा का सहयोगी बच्चा, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा, सदा बाबा की आज्ञा को पालन करने वाला, मैं बाबा का सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व खजाने बांटने वाली महान पुण्य आत्मा, सदा बाबा समान बनने के उमंग उत्साह में उड़ने वाली आत्मा, मैं बाबा की महातपस्वी विधाता आत्मा,
अभी बाबा कह रहे हैं आप पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा हो। बाबा के द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता है, खुशियों के सागर के द्वारा मिलता ही रहता है, अखूट है। बाबा कहते बच्चे, पुरानी दुनिया में सब पुराना है, इसीलिए बाबा को दे बेफिक्र बन गए, जो होगा अच्छा होगा। बाबा कहते आप ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, आप भी बादशाह, अब भी फिर भविष्य में भी बादशाह, यह खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ। मैं आत्मा पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा अखूट खुशियों के खजाने की मालिक आत्मा सदा बाबा की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा, बाबा की याद की छत्र छाया में सर्व विघ्नों से सेफ आत्मा, निश्चिंत विजयी, हर मुश्किल को सहज ही पार करने वाली, बाबा की छत्र छाया में रहने वाली, सर्व आकर्षणों से सदा दूर, बेहद की प्राप्तियों में सदा रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। बाबा कहते ये स्मृति आपको सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। बाबा कहते आप सिक्की लदे लाडले हैं, आप सदा बाबा की याद की छत्र छाया के अंदर रहो। ये याद छत्र छाया है बाबा कहते माया की ताकत नहीं छत्र छाया में आने की। सदा बाप की याद की छत्र छाया में रहे, सदा माया पर विजयी बनने वाली मैं बाबा की विशेष आत्मा। बाबा कहते बच्चा बनना ही अर्थात छत्र छाया में रहना, ये भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। ये विशेष वरदान याद रखना कि बाप के लाडले बन गए, बाबा की छत्र छाया मिल गई,
बाबा कहता, ये ईश्वरीय वरदान सदा आपको आगे बढ़ाता रहेगा। बाबा कहते, जागरण किया, रात को जागरण किया, तपस्या की, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। जागरण अर्थात कमाने की सीजन, जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने, बाबा कहते, यथाशक्ति जमा किया ना, यही जमा किया हुआ महादानी बनकर औरों को भी देते रहेंगे तो स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। बाबा सब बच्चों को परमात्म मेले का गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग विश कर रहे हैं। बाबा कहते, बच्चे स्वयं भी आप डायमंड हो, मॉर्निंग भी डायमंड है, जमा भी डायमंड है, तो सब डायमंड ही डायमंड है। अच्छा, अभी बाबा के वरदान को, बाबा की वाणी को अभ्यास द्वारा स्थिति में स्थित हो, अनुभव करते हुए बाबा के महावाक्य को स्वयं में समा लेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाली श्रेष्ठ सेवादारी भव स्वयं को स्थित करेंगे। मैं श्रेष्ठ सेवादारी आत्मा हूँ, जिसका हर संकल्प पावरफुल है। मैं विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ। सारा विश्व हमको कॉपी करता है, एक एक संकल्प श्रीमत अनुसार विश्व सेवा प्रति यूज करने वाले व्यर्थ के खातों से मुक्त मैं श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ। सर्व हद की, अल्पकाल की आकर्षण इच्छाओं से मुक्त, बेहद की वैराग्य वृद्धि का वायुमंडल बनाने वाली मैं श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ। डायमंड आत्मा हूँ। सदा बाबा की छत्रछाया में सेफ, निश्चिंत विजय, बाबा का
महातपस्वी मूरत विधाता श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ। सदा श्रेष्ठ संकल्पों में, पावरफुल संकल्पों में रहने वाली विश्व सेवा के निमित्त विश्व सेवाधारी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा। ओम शांति।